पहली गल तो है कि मेरे को त्याग पत्र मंगने वाले जिन्हों का नाम तुम्हें लिया है वह कौन होंगे मेरे सिर पर, मैं उन्होंने की माना त्याग पत्र तो उन्होंने देना चाहिए है कि जो कारण वह बने ने सारे किसान अंदोलन के, क्योंकि पंजाब के ही बंदे है कि जेडे उ जाके बैठे है। मेरे हरियाणा का बंदा ना तो सिंघू बॉर्डर पर बैठा है ना टिगरी बॉर्डर पर बैठा है, तुम जाके गिण लो जाके। तुसी चकदे टीवी देख रहे हो, मैं हाँ गुरविंदर सिंह। वड्डी खबर सामने आ रही है, मनोहर लाल खट्टर नू आखिरकार किसका फोन आया जिसने कहा कि किसानों पर सख्ती की जाए। तुहानू दस दिंदे आ, बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करन लई मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ पहुँचे, जिथे उन्हां मीडिया दे नाल गलबात की। गलबात दौरान उन्हां तो जदों सवाल किया गया प्रशासन नू लैके कि SDM साहब का जो रवैया सीगा उसनू किस तरह वो देखते ने, तो उन्हों का जवाब सीगा कि जेड़ा भी प्रशासन है वो लॉ एंड ऑर्डर नू मेनटेन रखने वास्ते सख्ती करता हुंदा है, तो उसने सख्ती की है। हालांकि उन्होंने जेड़े शब्दों का चयन सीगा उसनू सही नहीं ठहराया जा सकता, पर मनोहर लाल खट्टर ने सीधे सीधे डिफेंड किया तो प्रशासन नू बचाते हुए नज़र आए। इस मौके उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने फोन आ रहे ने कि किसानों पर होर सख्ती की जाए, सख्ती नाल किसानों नाल पेश आया जाए। की कुछ कहा मनोहर लाल खट्टर ने तुहानू सुनाउने आ। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेज काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी DGP कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहां नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते, उसमें दोष है ना आपका ना मेरा है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि उनको लाभ नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, समाज उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते हैं नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं, अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता कई बार, तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना, अब वो सीमा बदलती रहती है। कौशल जी ने एक तो वो जो ऑडियो चला है वो ऑडियो वीडियो एक बहुत अलग जगह का है, 10-12 किलोमीटर दूर वो जगह है, और जो इनर सर्कल है जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ से मीटिंग स्थान से 100 मीटर दूर का है, और ये जो कल घटना हुई है ये 12 किलोमीटर दूर हुई है, ये बस्ताड़ा टॉल पर हुई है, तो इसलिए उन दोनों घटनाओं का कोई मेल नहीं है, वो अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं। उनके उस ऑडियो के कारण से कोई घटना हुई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ अलग DM था, यहाँ अलग DM था, तो इसलिए उनको वो ना करें। लेकिन इन सब में भी जैसे पहले समझौता हुआ था उसी बात को उनको ध्यान कराया जाएगा कि आप किसी का रास्ता नहीं रोकें। रास्ता रोकने से फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, हमने कुछ सीधे खड़े होकर थोड़ी करना, ये तो एक गिवन डायरेक्शंस होती हैं कि किसी के काम में बाधा ना डाला जाए, इसके नियमावली है, उस नियमावली के ऊपर ध्यान करेंगे। देखिए पहली बात तो यह है कि किसानों के विषय की बजाय ये एक राजनीतिक विषय बना हुआ है। जैसे हम राजनीतिक पार्टियों को हम अपनी बात नहीं कहला सकते कि हमारी ही बात कहें, ऐसे ही इनको खुले रूप से समर्थन करने वाली हरियाणा में तो कांग्रेस है, और कुछ इलाके के इनके जो कम्युनिस्ट ग्रुप हैं वो इसमें लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को जो कमिटेड लोग होते हैं, कमिटेड लोग कभी भी समझते नहीं हैं, जैसे मैंने कहा मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे वो इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है।
जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर है, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहां जाते हैं, वही वहां से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही है। पहली गल तो यह है कि मेरे को त्याग पत्र मंगन वाले जिन्हों का नाम तुम लिया है वह कौन होंगे मेरे सिर पर, मैं उन्होंने की माना जिड़े तुम कहें हो कि वह त्याग पत्र देन के ना देन। त्याग पत्र तो उन्होंने दे देना चाहिए, चाहिए है कि जो कारण वह बने ने सारे किसान अंदोलन के, क्योंकि पंजाब के ही बंदे है कि जो उत्थे जाके बैठे है। मेरे हरियाणा का बंदा ना तो सिंघू बॉर्डर पर बैठा है ना टिकरी बॉर्डर पर बैठा है, तुम जाके गिण लो जाके, मेरे को रोजाना खबर आ जाती है कि उत्थे पंजाब के बंदे किन्ने कि हरियाणा के बंदे किन्ने। और वो जड़े ये गल बहिया पाई फिरदे है, ये सारा संदक सबनों पता है कौन की करता, उत्थे वो बैठे बैठे उन्होंने उकसा रहे हैं और इतने साढ़े जड़े हुड्डा साहब और साढ़े जड़े कांग्रेस के मित्र ने वो सारे कर रहे हैं, सानू सारा पता है। और इन्ना वड्डा अगर उन्होंने संगठन जथेबंदियां होंदिया तो हुण तक अंदोलन खत्म हो गया होंदा। वो तो कुल मिला के उत्थे जथेबंदी का कोई असर नहीं है हरियाणा के, जिन्हें लोग उत्थे ने वो सानू पता है, पूरा हरियाणा का किसान है खुश है, हरियाणा के किसान नू जो कुछ असी व्यवस्थावां दे रहे हैं पूरियां दे रहे हैं। हाँ, जिन्हें नहीं मनना वो नहीं मनना तो नहीं मनना, उन्होंने जबरदस्ती नहीं मना सकते, लेकिन लोकतंत्र दे विच किसे दे रस्ते दो रोकण दा असी भी तो नहीं रोकते ना उन्होंने, असी उन्होंने नहीं कहा कि तुसी धरना ना दिओ। धरना देने वास्ते उन्होंने तो जिन्नियां व्यवस्थावां मंगियां असी सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से वह भी दित्तियां, सफाई उत्थे कराई, पानी की व्यवस्था उत्थे की, बिजली के कनैक्शन उन्होंने दिते, मेडिकल व्यवस्थावां उत्थे करके असीं दे रहे हैं। आखिर इन्ने महीने तो बैठे है तो बिना सरकारी व्यवस्थावां दे नहीं बैठे उत्थे। तुसीं देखिया बीते दिनी किसानां दे उत्ते जिस तरीके नाल हरियाणा की सरकार वल्लों तशद्दद ढाया गया, हरियाणा प्रशासन ने किसानां नूं भजा भजा के कुट्टिया सीगा, कुटमार कीती सीगी, जिसका खामियाजा सरकार नूं आउण वालियां चोणां दे विच भुगतना पै सकदा है। मनोहर सरकार नूं लै के लगातार सवाल खड़े हो रहे ने, जिहड़े भाईवाल ने उहनां दे JGP उह भी लगातार इस गल तों खफा ने, भावें उह उप मुख्यमंत्री चौटाला दी गल कीती जावे, उहनां ने भी कहा कि जिहड़े भी SDM ने अजिहा कारा कीता है उहनां दे उत्ते सख्ती होनी चाहीदी है, उहनां ते कारवाई होनी चाहीदी है। पर मनोहर लाल खट्टर ने कार्रवाई की गल DGP ते प्रशासन ते छड़ दित्ती। फिलहाल होर इस तरह की अपडेट लई बने रहो चकदे TV दे नाल। चमत्कार हुंदे ने, देखो अपनियां अखां सामने, 3 घंटे च हर परेशानी का हल पाओ। 7 इलमां दे माहिर दिवानशु जोशी, मेरे किते नूं कोई कट नहीं सकता, कट्टन वाले नूं मूँह मंगिया इनाम। परेशानी जिवें मनचाहा प्यार, पति पत्नी चनबन, काले जादू का खात्मा, बीमारी दवा ना लगना, वशीकरण करवाओ, जिसनू चाहे उसनू अपने वस च करो, लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स। धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नू अपनियां अखां सामने तड़फदा वेखो। 7082844950